मामा जी के साथ मेरा काम पड़ा एक आध दो बार यात्रा का हम बेंगलोर गए भैया नहीं बेंगलोर नहीं कहा मद्रास गए थे ना हमारे मद्रास गए मामा जी के साथ गया तो मामा जी के साथ काम पड़ा मेरे को एक आध बार भाज तो हम मद्रास गए वो अपना कन्फ्यूजन भाषाओं का कन्फ्यूजन वह भाषा अलग अपने अलग हम जैसे ही होटल में गए तो वो रूम लेके मैं गया बेरा हमको वो बोला सर वणक कम मेरे को कहा लगा कि यार ये नाम पूछ रहा है उसने जैसे ही कहा वणक कम मैंने कहा अतुल्य वाला वो हमको वहाँ रूम में छोड़ के गया फिर पानी की बॉटल देने आया तो उनकी तो आदत फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला फिर वो बोला कि सर वणक कम मैंने कहा अतुल्य मैंने कहा भाई इसका फ्यूज़ है शायद यार नाम याद नहीं हो रहा है इसको मैंने कहा वाला वो तीसरी बार चाय लेके आया फिर बोला सर वणक कम मैंने कहा वाला मैंने उससे कहा कि नाम याद कर ले यार बार बार पूछ लिया अब उसको समझ में ही नहीं आई इतने में मामा जी बाथरूम में से निकले बोले क्या लफड़ा क्या चल रहा है ये मेनका मामा जी वो बार बार नाम पूछ रहे हैं वनक कम तुम्हारा नाम क्या अरे बोले पागल हो क्या मेनका क्यों तो कहें यहाँ पर वनक कम का मतलब होता है नमस्कार वह आपको नमस्कार कर रहा है, तुम नाम बता मेनका आंदोलिये चाय के कप लेने इसको अब इसकी फाइल मैंने निपटी वो जैसे ही कप लेने आया जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो बोले उसके पहले मैंने कह दिया मेनका वनक कम ताली ना समझ में आया तो मैंने जैसे ही क्या वलक कम वो बोला अतुल वाला तो ये क्या भाषा हो अब इनको छेड़े यहां बैठे हैं दो महिलाएं है, दो पुरुष बैठे हैं मंच पे मैं इनका संचालन कर रहा हूं ए? आप देखो महिलाओं का दिल छोटा होता है पुरुष का दिल बड़ा होता है भाभी सही कह रहा हूं मैं आपका दिल बहुत छोटा आपके म, दिल में एक ही अजय यादव टिल्लू भैया जरा सा दिल अजय भैया का दिल बड़ा है <laughs> अब मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि अगर मैं बताऊं तो मैं तो मैं तो, तो इतनी दूर हूँ मेरी घरवाली का के जस्ट पीछे वो बैठे वो कान में कहने में देर नहीं लगाएंगे <laughs> ये सही कह रहा हूं भाई आप देखो ये आदत होती पुरुष की ये <laughs> आप देखो भैया आप किसी बस में बैठो कोई पुरुष बैठा हो पास में कोई महिला बैठी हो आपको नींद आ जाए गलती से आपका सिर उसके कंधे पर टकरा जाए महिला एक मिनट में सीधा करे ए भैया सीधा बैठ घर में माँ नहीं है क्या ये संस्कार होते हैं अब इस सीन को उल्टा करो मित्तल साहब यहाँ से भोपाल जा, भोपाल जाना है पास में महिला बैठी उसको नींद आ जाए ये रायसेन तक जाएंगे पर उसको नहीं उठाएंगे तो ये ये क्या हम आनंद वाले लोग हैं देखो मैं दो जरूरी कविता मामा जी सुनूंगा ये सब अपन आज बहुत दिनों में ऐसा मौका लगा है तो सुना रहे हैं नहीं तो अच्छा मैंने कहा ना पत्नियों का तो मामला ही ऐसा मैंने एक दिन कहा मैंने कहा ये बेटे बड़े होकर होशियार बनेंगे मेरी ही तरह तेज तर्रार बनेंगे अब आनंद लेना मैंने पत्नी से कहा कि बेटे बड़े होकर होशियार बनेंगे मेरी तरह तेज तर्रार बनेंगे बोली रहने दो बोली रहने दो फूल से तो ये खारी अच्छे है और तुम जैसे होशियार से तो ये गवारी अच्छे है के होशियार से तो ये गवारी अच्छे है तुम क्या चाहते हो इन दोनों को भी मूर्खता की संपदा बना दो दो औलादे दोनों को गधा बना दूं